So hey guys, I am Vishal Tiwari and you are watching. तो दोस्तों ये जो बाइक है ये है बजाज पल्सर 125 सीसी और आज हम करने वाले हैं इसका हाई स्पीड टेस्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाड़ी को हाई स्पीड में चलाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ इसको ट्राई ना करें. एक्चुअली हाई स्पीड पर गाड़ी चलाने में थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो सकती है, तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप इसको ट्राई ना करें. अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ आप इसको ट्राई ना करें. गाड़ी को हमेशा इकोनॉमी स्पीड में चलाइए, बढ़िया एवरेज देती है. मैं भी हमेशा एक्चुअली इकोनॉमी स्पीड में चलाता हूँ, बट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये हाई स्पीड टेस्ट बना रहा हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा. और एक चीज़ और है कि इसमें जो हवा का जो टर्बुलेंस होता है ना, तो सामने से हवा आती है उसमें भी उसका भी थोड़ा योगदान रहता गाड़ी की अगर स्पीड फुल ना हो पाती है. मतलब मुझे लगता है कि मैंने 107 तक इसको एक्चुअली ले जा रखा है, तो बट मुझे लगता है कि और भी जा सकती है, बट हवा की वजह से अभी तक मैं ले जा नहीं पाया हूँ. हवा जब भी मैं चलाता हूँ तो सामने सबसे आई हवा सबसे जबकि इसका टेस्ट किया तो सबसे मुझे अब करने वाले वापस कर दिया. चलिए हम करते हैं. इतनी चीज़ और रहती है इतनी पावर वाली जो बाइक्स होती है ना, इसको और स्पीड पर जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. फिर पावर कम होता है तो टाइम लेती है फुल स्पीड पर आने में. गाड़ी पावर ज़्यादा रहती है जैसे 200 मतलब 200 के ऊपर वाइक इतनी बाइकें रहती हैं जिनका बी एस पी ज़्यादा होता है वो जल्दी ऑफ स्पीड पर आ जाती है. बट जिन गाड़ी में पावर कम होता है उसका लगभग 12 बी एस की पावर है इसमें. 325 सीसी का इंजन है पता ही है आप लोगों को. तो 10 पी एस मतलब 11.8 पी एस है, तो अराउंड 12 पी एस ही सकती है. तो इसको इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है टॉप स्पीड में आने वाले चीज़. इसलिए सर्विसिंग में जो थोड़ी थोड़ी स्पीड कर सकती है उसके बाद जैसे ही हमें समझता है गाड़ी का जो लोग बैठे हैं सबकी गाड़ी का डिफरेंट है. टेप तो करेंगे बट एक साइड दूसरी साइड आते टेप करेंगे बट हम रिटर्न में करेंगे ट्राई. रिटर्न घुमाएंगे गाड़ी और फिर से ट्राई करेंगे.
आरपीएम में 2000 रन बढ़ जाता। तो ये है कि गाड़ी 108 110 तक पहुँच जा रही है और तो एकदम खुले रोड हमको मिल जाए तो शायद गाड़ी 115 ही पहुँच जाए। फिर हमारा ट्रांसलेशन बताना था आपको मेरी तरह भी है तो गाड़ी एक बार 112 ही पहुँचे तो यही था कि दोस्तों मैक्सिमम 110 तक तो आराम से आराम से जानकारी देने की कोशिश करिए तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और लाइक इसलिए किया गया है ताकि जिसके लिए ऐसा है।